हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि वीएस कोड के जरिए आप रिपोजिटरी कैसे क्रिएट करते हैं और कोड को रिपोजिटरी में कैसे पुश करते हैं। तो मेरा प्रोजेक्ट पॉइंट ऑफ सेल पर है, इसको मैं वीएस कोड पर ओपन कर लेता हूं। तो यहां मेरा प्रोजेक्ट ओपन है। अगर आपका प्रोजेक्ट ओपन नहीं है तो ओपन करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के प्लस ओ। अब जहां पर आपका प्रोजेक्ट हो वो ओपन करेंगे। तो ओपन करने के बाद गिटहब अकाउंट को लॉगिन करेंगे, फिर आपने योर प्रोफाइल पर क्लिक करना है। तो यहां पर हमारे पास 6 रिपोजिटरी हैं। अब यहाँ पर पॉइंट ऑफ सेल की रिपोजिटरी क्रिएट करेंगे। रिपोजिटरी क्रिएट करने के लिए वीएस कोड को ओपन करेंगे, फिर आपने सोर्स कंट्रोल पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद पब्लिश टू गिटहब पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप रिपोजिटरी का नाम इंसर्ट करेंगे, देन इंटर। तो रिपोजिटरी अभी क्रिएट हो रही है। तो हमारी रिपोजिटरी क्रिएट हो चुकी है। अब यहाँ पर हम रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट पुश हो गया है। तो अब हम सेकंड कमेंट कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो आप प्रोजेक्ट में जो भी चेंजेस करोगे वो फाइल यहाँ ऐड हो जाएगी। मैं यहाँ पर कोई भी एक फाइल में चेंजेस करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर एक डिव ऐड कर लेता हूँ। तो अभी मैंने सेव नहीं करा, लेकिन जैसे ही सेव करूँगा तो सोर्स कंट्रोल पर वन शो हो जाएगा। देखिए मैं कंट्रोल एस करता हूँ। कंट्रोल एस करने के बाद सोर्स कंट्रोल में ये फाइल ऐड हो गई है। अब इसको कमेंट करने के लिए प्लस साइन पर क्लिक करेंगे। तो ये स्टेट चेंजेस में ऐड हो जाएगी। फिर आपने कमेंट पर क्लिक करना है। अब जो भी कमेंट का नाम देना चाहते हैं वो इंसर्ट करेंगे। मैं यहाँ सेकंड कमेंट इंसर्ट कर देता हूँ। राइट साइड पर यस के आइकन पर क्लिक करेंगे। प्रेसिंग चेंजेस पर क्लिक करके ओके कर देंगे। तो यहां पर हमारे पास सेकंड कमेंट भी पुश हो गया है। तो यहाँ पर रिपोजिटरी बाय डिफॉल्ट प्राइवेट क्रिएट हो गई है। अभी इसको पब्लिक करने के लिए इस सेटिंग पर क्लिक करना है। तो आप यहाँ पर रिपोजिटरी का नाम भी चेंज कर सकते हैं। अब आपने लास्ट में जाना है। तो यहाँ पर चेंज विजिबिलिटी के बटन पर क्लिक करेंगे, देन चेंज टू पब्लिक पर क्लिक करेंगे। अब रिपोजिटरी पब्लिक हो गई है। अब आपने रिपोजिटरी को डिलीट करना है, तो डिलीट करने के लिए दोबारा सेटिंग पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ लास्ट ऑप्शन जो है डिलीट रिपोजिटरी का है, तो डिलीट दिस रिपोजिटरी पर क्लिक करेंगे। अब कंफर्म करने के लिए
इसको कॉपी करेंगे। देन पेस्ट डिलीट दिस रिपोजिटरी। तो यहाँ पर रिपोजिटरी डिलीट हो गई है। तो आज की वीडियो में हमने देखा रिपोजिटरी क्रिएट कैसे करते हैं और कमेंट करना सीखा, फिर प्राइवेट टू पब्लिक एंड देन डिलीट करना देखा। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर दें ताकि हमारे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके।